वेलकम टू अजमेर रसोई। होली पर आज हम बनाएंगे स्पेशली मावे की गुजिया और आप इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम लेंगे 2.5 कप मैदा, जो वेट में 250 ग्राम है। अब मैं इसमें 1/4 कप घी डालूंगी। आप चाहे तो इसमें तेल यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूंगी। हमें इसमें इतना ही घी डालना है जिससे इसकी मुट्ठी बनने लग जाए। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसके टाइट डो तैयार करूंगी। अब मैं डो को 20 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी और इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी। एक पैन में मैं 1 बड़ा चम्मच घी डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़े से कुटे हुए काजू बादाम और थोड़े से किशमिश डाल दूंगी। हमें इन्हें रोस्ट करना है। मैं इसमें 1 कप नारियल का बूरा डाल दूंगी। हम इन्हें लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए ही रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। उसी पैन में मैं 200 ग्राम मावा लूंगी। ये 1 कप है। मैं इसे लो फ्लेम पर मेल्ट कर लूंगी। मैंने इसे 3-4 मिनट पका लिया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे ठंडा कर लूंगी। अब हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। मैं इसमें 1.5 कप शुगर लूंगी, जो कि वेट में 300 ग्राम है। अब मैं इसमें 1.25 कप पानी डालूंगी। अब हम शुगर घुलने तक इसे पकाएंगे। शुगर घुल चुकी है। हम इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर और पका लेंगे। मैं चाशनी में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी। हमें इसमें तार की चाशनी बनाने की जरूरत नहीं है। चाशनी उंगलियों के चिपकने लग गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब मैं नारियल का बूरा और मावा को हाथ से मिक्स कर लूंगी। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें 1/2 कप बूरा शक्कर डालूंगी। मिक्सचर के ठंडे होने पर ही हम बूरा शक्कर डालेंगे। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारी स्टफिंग तैयार है। मैं हाथ से डो को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगी। मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लूंगी। मैं इसकी पूरी बेल लूंगी।
अब मैं इसमें स्टफिंग भरूंगी। अब मैं इसे इस तरह से करके पैक कर लूंगी। आपको इसे अच्छे से पैक करना है, नहीं तो इसे फ्राई करते समय इसकी स्टफिंग्स बाहर निकल जाएगी। अब हम गुजिया को इस तरह से पैक करेंगे। हमें इसे इस तरह से दबा के, घुमा के और फिर दबा के इसे पैक कर देना है। अब हम इसी तरह बाकी गुजिया भी तैयार कर लेंगे। मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गरम हो चुका है, मैंने तेल को ज़्यादा गरम नहीं किया है। अब हम इसमें हमारी गुजिया को डालेंगे और फ्राई करेंगे। हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है ताकि गुजिया अंदर से अच्छे से पक जाए। हम इन्हें बीच बीच में पलटते रहेंगे। हम इसे सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये सुनहरी हो चुकी है और हमारी गुजिया फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। गुजिया को हम गरम गरम ही चाशनी में डालेंगे। चाशनी को मैंने पहले ही थोड़ा गरम कर लिया था। हमें इन्हें चाशनी में अच्छे से डिप करना है ताकि चाशनी अंदर अच्छे से चली जाए। इसे 1 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे बाहर निकाल लूंगी। इसी तरह हम बाकी गुजिया भी तैयार कर लेंगे। हमारी गुजिया सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं। मैं आपको गुजिया तोड़कर दिखाती हूँ। ये अंदर से भी पक चुकी है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।